सद्दसार सिंह। ये सद्दसार जो सिंह है, सिंह माने होता है शेर यानी लायन, मगर संस्कारित भाषा में इसके कई पड़ाव आए और ये आते आते सिंह हो गया। और सिंह से लेके सिंह तक का जो सफ़र है वो बड़ा मज़ेदार है। भारत में जितने भी लोग अपने नाम के पीछे सिंह लिखते हैं, दरअसल वो सारे के सारे पुराने जो बुद्धिस्ट लोग या बौद्धिक लोग या जो धम्मिक लोग थे या जो धम्म को मानते थे और धम्म की प्रैक्टिस करते थे, ईरान से लेके और नीचे तक। सिंघम भी उसी का पार्ट है, सिंह भी उसी का पार्ट है, सी भी उसी का पार्ट है, यानी सी या सिंह या शेर या सिंहंग या सिन्ह, ये सब उसी परिवार के हैं। ये बड़े कमाल की बात है, क्योंकि मेरा खुद का भी नाम सुधीर राज सिंह है, मगर सिंह जैसे हिंदी में लिखा जाता है उसका आवाज़ जो आती है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो सिंह का नहीं है। बेसिकली हिंदी में लिखा जाता है स छोटी की मात्रा अंक की बिंदी और है, ये होता है सिन्ह या सिन्ह, क्योंकि न की आवाज़ इसमें आती है और अंग इसमें या हंग इसमें कहीं नहीं आता। पंजाबी में जो लिखा जाता है वो स छोटी की मात्रा और घ करके लिखा जाता है और ऊपर बिंदी, तो वहाँ लगभग थोड़ा सा ये सिंह करके ठीक है। इंग्लिश में भी एस आई एन जी एच लिखा जाता है तो ये सिंह करके लिखा जाता है। मगर सिंह शब्द कैसे सिंह से बना, यानी जो सी है उससे सिंह कैसे बना, ये एक बहुत ही रोचक और मज़ेदार सा किस्सा है या इसकी एक यात्रा है। दरअसल जो से और बड़ी की मात्रा है सी है, उसको शेर बोलते हैं। जो भगवान बुद्ध थे उनके जो दादाजी का नाम था वो था सी हनु, हनु बोलते हैं जो को, यानी ये जो हिस्सा होता है ठोड़ी वाला, इसको बोलते हैं हनु पाली के अंदर। और सी माने शेर, शेर की जो ये जो होता है, जबड़ा होता है, वो बहुत खूबसूरत होता है, और जो ऐसे जबड़े वाला होता है मनुष्य, उसको सी हनु करके उपाधि दी जाती है, उनके दादाजी की थी। और भगवान बुद्ध के जो 32 लक्षण हैं अच्छे, जिसमें उनको एक परफेक्ट मैन की या परफेक्ट एक ह्यूमन बॉडी की शेप बताई जाती है, उसमें एक लक्षण सी हनु भी है, यानी शेर जैसी उनकी दाढ़ी, जो संभवतः दादाजी के जीन से मिली होगी। बाद में कुछ लोगों ने सी हनु को हनु और मंतु से भी जोड़ा, सी हनु मंतु, यानी सी हनु सी ही ठोड़ी वाले जैसे, सी हनु मंतु। ये जो सी सैया है, भगवान बुद्ध आपने देखा होगा कि सीधे हाथ की सीधे हाथ पे करवट लेके और अपने हाथ को ऐसे करके और लेटते थे जमीन पे, उसको बोलते थे सिंह सैया। शेर भी ऐसे ही लेटता है, तो सिंह सैया से ये शेर की सैया यानी शेर की नींद बनी है। भगवान बुद्ध तो 24 घंटे विपस्ना में रहते थे और वो सोते नहीं थे, वो सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए, ताकि शरीर रिपेयर हो जाए, उसको देने के लिए शरीर को स्थिर कर देते थे विपस्ना के थ्रू, मगर वो हमेशा जागते रहते थे। जो शुद्ध मनुष्य होता है उसको नींद की आवश्यकता नहीं होती, जो अशुद्ध मनुष्य होता है उसको नींद की आवश्यकता होती है। इसलिए जो अच्छे और शुद्ध बच्चे होते हैं या जो लोग होते हैं, वो 2-4 घंटे सोते हैं और फिर खेलना शुरू कर देते हैं या अपना काम में लग जाते हैं। और जो बहुत ज़्यादा पाप कर्म करते हैं, जो बहुत ज़्यादा अशांत रहते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ अशांति की वैसे हो गई हैं, जिनके सॉफ्टवेयर में बहुत सारे करप्शन आ गए हैं, वायरस आ गए हैं, वो सारे के सारे घंटों 8-8, 10-10 घंटे सोते हैं, उसके बाद भी वो आराम से नहीं रह पाते, फिर भी वो चिड़चिड़े ही उठते हैं। ये कारण बड़ा स्पष्ट है। एक आपने सुना होगा सिंह नाद, सिंह नाद को अगर हिंदी में या संस्कृत भाषा में, जो बाद में भाषा बनी है, उसको कहेंगे सिंह नाद बोला जाएगा। ऐसे करके जो सी नाद हो गया या सी सैया हो गया या सी सार हो गया, सी सर, सी सर का मतलब है सिंह जैसी आवाज, जिसको गर्जना बोलते हैं, तो सी सर बोलते हैं इसको। सर माने तो स्वर होता है, स्वर होता है, बोल होता है, आवाज होती है। सी के साथ में सर लगा देंगे तो आधा से और से करके सी सर करके बनेगा, तो उसको गर्जना बोला जाता है।
एक आपने अपने पड़ोस में एक देश देखा होगा जिसका नाम है, आज की डेट में तो उनको श्रीलंका बोलते हैं। श्रीलंका नाम तो अब का नाम है, जो बाद में पड़ा है। बेसिकली उसका नाम है सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप का मतलब है जहाँ शेर बहुत सारे रहते थे और वहाँ की भाषा भी सिंहली है, यानी सिंहली वहाँ की भाषा है और सिंहण वहाँ के लोगों को बोला जाता है। ये ले और ले करके मिलता है, शब्द है। जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था सिंहल द्वीप पे, तो उनको सिंहल बोलने में दिक्कत होती थी, तो वो इसको सीलोन बोला करते थे। सीलोन, और सीलोन को वो इंग्लिश में CY CEY करके लिखा करते थे, यानी उनको सी भी नहीं लिखना आता था, तो वो सीलोन करके बोला जाता था। आपने सिबाका या बिनाका टूथब्रश की, जो बिनाका पेस्ट की जो माला है, जो अमीन शानी करके रेडियो में बहुत ज़्यादा आती थी, पुराने लोग जानते हैं, बिनाका गीत माला, वो सीलोन से प्रसारित होती थी, यानी कि वो श्रीलंका से चलती थी रेडियो पे, इंडिया से नहीं चलती थी। इसलिए रेडियो सीलोन या रेडियो सीलोन बहुत ज़्यादा फेमस रेडियो था। पाली के अंदर जो ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है, यानी कि जो द्वितीय विभक्ति आती है, उसके अंदर कोई भी शब्द हो उसमें अंग लगता है। जैसे सुधीर को, अगर ऐसा बोलेंगे सुधीर को, तो उसको एक शब्द है सुधीर अंग। बुद्ध को बुद्धंग, राज है कोई तो राजंग हो जाएगा। अगर किसी का नाम पीटर है तो पीटरंग हो जाएगा। किसी का नाम अगर बिल क्लिंटन है तो बिल क्लिंटंग हो जाएगा। तो ये अंग की आवाज़ लास्ट में बिंदी से जुड़ जाती है, यानी कि सबसे आखिर में बिंदी रहेगी, वो शब्द के बिल्कुल आखिर में आती है। यहाँ से सिंह का सिंह बना है। बेसिकली जब इसको सिंहंग बोला गया होगा, जैसे शेर को, तो सिंहंग से है हट गया और बिंदी पीछे आ गई, तो सी और अंग की बिंदी तो सिंह हो गया, ये सिंह हो गया। और सिंह का है बहुत ज़्यादा साइलेंट होता चला गया, मगर है लिखाई में आता चला गया, इसलिए सिंहंग की बजाय सिंहंग हो गया। सिंहंग में और सिंहंग में बिंदी का अंतर है कि बिंदी कहाँ लगती है। बाद में जब संस्कृत भाषा आई और पाली लगभग ख़त्म हो गई, तो ये जो शब्द है, यानी कि सी अंग और सिंहंग, सी दोनों मिलके डंडा बीच में आ गया और बिंदी ऊपर आ गई। ऊपर बीच में बिंदी आती है तो वो अंग की आवाज़ देती है, आधे ने की आवाज़ देती है। अंग वाली, जो अंग वाली बिंदी है, वो सबसे लास्ट में आती है। तो सिंहंग का सिन है हो गया, मगर बोला जाता है आज भी सिंह करके। तो सिंह जब बोला जाएगा, जब से और बड़ी की मात्रा और बिंदी होगी, तो उसको सिंह बोलेंगे। तो ऐसे सिंह, सिन्हे और सिंहंग करके ये सारे शब्द बने, मगर बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में सिंह ही आवाज आती रही, जबकि ये सिंहंग आवाज़ है। सिंहंग में और सिंह में ज़्यादा अंतर नहीं है, बोलने में अंतर इतने सालों में। अब उस बात को आज 2500 साल हो गए, 2500 साल से ऊपर हो गए, तब पाली चला करती थी, तब इसको सिंह बोला करते थे, शेर से तब इतने नहीं डरते थे, क्योंकि शेर की जो गर्जना है उसको सिंह में मिला दिया गया, सिंह और गर्जना करके, तब इसको सिंह बोला करते, सिंहंग या सी हो। जैसे जो राहुल माता हैं, यानी कि जो राहुल की माता जी हैं, जो भगवान बुद्ध की जो पहले पत्नी रही हैं और उनके जो पुत्र रहे हैं राहुल, तो राहुल अपनी माता से पूछते हैं कि ये व्यक्ति कौन है। जब भगवान बुद्ध और वहाँ कपिल वस्तु आते हैं और उस खुशी में लोग बड़े दिए जलाते हैं और दीपावली का उत्सव तब से आरंभ हो जाता है, तब राहुल माता बताती हैं कि ये जो व्यक्तियों में जो चल रहे हैं, नरों में जो सिंह की तरह चल रहे हैं, वो तेरे पिता हैं। तो नरसिम्हा बोला है, नरसिम्हा या नरसिंह। तो नरसिम्हा का मतलब है नर में सिंह से, यानी नरों में जो सिंह से हैं, या नरसिंह का मतलब है नरों में सिंह, ऐसे करके बोला जाता है। तो नरसिम्हा या नरसिंहंग, ऐसे करके वहाँ ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पुराना इसका शब्द सी है और नया शब्द इसका सिंह है। सिन्हे, सिन्हा, सिंह, सिंहंग और सिंहंग, ये सब एक ही फैमिली के हैं और एक ही बात है। इसलिए सारे जितने भी सिंहंग हैं, जितने भी सिंहंग हैं या सिंह हैं या सिन्हे हैं या सिन्हा हैं, वो सारे के सारे बुद्धिस्ट और पाली के लोग रहे हैं। धन्यवाद।